मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं चाहता कि राज सिंहासन को लेकर भाइयों में कोई विवाद हो। दुर्योधन कृष्ण कन्हैया के प्रस्ताव को मान लो। एसएफ राजामौली ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर एसएफ राजामौली ने बताया है कि वो अपने आने वाले समय में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले और एसएफ राजामौली जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत। कुछ महीने पहले एसएफ राजामौली ने एक इंटरव्यू में बताया मैं महाभारत के ऊपर एक फिल्म बनाने वाला। एसएफ राजामौली इस फिल्म के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं, अभी वो अपनी फिल्मों से कुछ नया सीख रहे हैं और वही सब चीजें अपनी महाभारत में यूज करें। सोच करके देखिए जब एसएफ राजामौली महाभारत के ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे और अब तक की जितनी भी एसएफ राजामौली की फिल्में आई वो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा चुकी है और आरआर मूवी के बाद एसएफ राजामौली की पहचान तो विदेशों में भी होने लगी। इसलिए एसएफ राजामौली जब भी महाभारत के ऊपर काम करेंगे तो वो फिल्म काफी बड़ी फिल्म हो और वो भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी, उसे विदेशों में भी रिलीज किया जाए। इसमें कोई भी शक नहीं है वो विदेश से भी पैसा कमा करके लाएगी और भारत के इतिहास की छाप वो विदेशों में भी छोड़ करके आएगी। पर इस फिल्म के लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एसएफ राजामौली ने कहा है अगर वो महाभारत के ऊपर काम करेंगे तो महाभारत एक बड़ा काव्य है, उसके बारे में रिसर्च करने एसएफ राजामौली को 1 से 1.5 साल का समय तो लग ही जाए और अभी तो महाभारत फिल्म बनने से लेकिन आने वाले समय में वो इस पर काम जरूर करेंगे क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ साथ एसएफ राजामौली ने ये भी बताया है कि उनकी महाभारत कुछ अलग अंदाज में हो जिसमें हर करेक्टर को बारीकी से दिखाया जाए। और जैसे कि आप सभी को पता ही है महाभारत एक बहुत बड़ा ही काव्य जिसको एक पार्ट में कम्प्लीट करना तो बहुत ही मुश्किल, इसीलिए इस महाभारत को एसएफ राजामौली 10 पार्ट में बना और हर साल इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट रिलीज किया जाए। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि एसएफ राजामौली इस फिल्म के ऊपर कब काम शुरू। अगर महाभारत के ऊपर 2-3 साल बाद भी काम शुरू हुआ तो ये फिल्म हमें 2027 से पहले तो देखने को नहीं मिले, पर अभी इस फिल्म के लिए हमें सच में इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिल्म का फर्स्ट पार्ट आ गया तो इसका सेकंड पार्ट हमें जल्दी देखने को मिल सकता है, उसके ही अगले साल थर्ड और ऐसे ही ये 10 साल तक भी चलता रहेगा और अगर सब कुछ सही रहा। और वही बात करें महाभारत की फिल्म की शूटिंग, लेकिन अभी फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं। और वही बात करें फिल्म के बजट की तो आपको पता ही होगा कि इसे ऐसे राजामौली डायरेक्ट करने वाले, जैसे कि हम लोग जानते ही एसएफ राजामौली की मूवीज का बजट, और इसीलिए महाभारत के पहले पार्ट का बजट है 600 से 700 करोड़। और अब देखना तो ये है एसएफ राजामौली इस मूवी पर कब काम शुरू कर। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।